वेलकम टू न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में फिर से स्वागत है आप लोगों को। और आप लोग को पता चल गया होगा मेरे थंबनेल देखकर आज मैं क्या न्यूज़ देने वाला हूँ। जो भी न्यूज़ देने वाला हूँ परफेक्टली दूंगा। जो कुछ तो नोटिस आया है, देखो स्टेट गवर्नमेंट का नोटिस है, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। तो आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और यदि पुराने हैं तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। यदि अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट सेक्शन में दो शब्द मेरे लिए भी लिख देना और मेरे चैनल के लिए भी लिख देना। और चलते हैं अपने स्क्रीन के तरफ, स्क्रीन को दिखाएंगे। यार अभी जस्ट नहाए, ठीक है, थोड़ा वीडियो इसलिए लेट हो गया, नहीं तो रात में शूट कर लेते हैं। बट गर्मी का मौसम है, घर पे बोरिंग फील हो रहा है, आपको भी फील हो रहा होगा, ठीक है। इसको दूर हटाते हैं और चलते हैं अपने स्क्रीन पे, वहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशंस हैं जो उसको मैं आपको सामने रखेंगे, और आप बताना कॉलेज कब खुल सकता। लेकिन आज जो कुछ इंपॉर्टेंट है, आज कुछ झाकर न्यूज़ आने वाला है, तो आप लोग वीडियो में बने रहना और वीडियो को फुल पूरा देखना। और चलते हैं अपने वीडियो स्क्रीन पर। तो फाइनली आते हैं अपने स्क्रीन पे, और भाई को कर देना सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स। वीडियो अच्छा लगे तो ऐसे तो अच्छा लगेगा ही, और ये बताना किसको किसको एक्साइटेड है जाने के लिए वहाँ पे। तो फाइनली चलते हैं अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं, और आपका भाई आज पढ़ाएंगे आपको नोटिस स्टेट गवर्नमेंट ने जो जारी किया। इससे हम लिख दिया है, हम लोगों को एक लिंक दे दिया है, और लिंक से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे आपको हम डिपार्टमेंट का नंबर प्रोवाइड कर दिए हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। यदि आप नहीं हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, और मुझे बताइए जो कुछ भी एनी अपडेट होगा तो उसमें हम डाल देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जो मुझे न्यूज आया है, तो वो मैं हिंदी में आपको समझाता हूँ, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे मैंने इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स शेयर किए थे, बहुत सारे बच्चे ने शेयर किया था, बट कुछ को थोड़ा प्रॉब्लम आता है, यानी मुझे भी प्रॉब्लम आता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम आपको सुनवाएंगे, ठीक है। तो न्यूज़ ये है, तो ये है मेरा माता जी का फ़ोन, इसमें बैटरी भी लो है लेकिन फिर भी न्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है। तो कॉलेज और पॉलिटेक्निक छात्रों के फिर से खोलने की अनुमति दी जाती है, तो फिर गुड न्यूज़ है, खोलने की अनुमति दी जाती है। देख सकते हैं क्लियर रखा है, जिसमें आवश्यक समाज दूरियों के मामले, देखो भाई अभी खुल रहा है, ऑटोमेटिक कोविड है, अब सब जानते हैं, थर्ड वेव का भी शिकायत आ चुका है, तो उसको थोड़ा नियम कानून के तहत ही खोलने का निर्णय लिया गया। लेकिन निर्णय तो लिया गया है खोलने का, यानी सेशन बहुत जल्द स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे क्या है, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी SPOs में दर्शाया गया, ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है हम लोगों के लिए और सारे स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। और उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा इन आदेशों को तुरंत लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे, यानी जितने भी प्रोटोकॉल है जो हम लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से आए हैं, वो अब हरियाणा गवर्नमेंट आप लोगों से शेयर करेंगे, यानी अपने स्टेट में इसको लागू करेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक तो मैं क्लियर सर्टिफिकेट दे रहा हूँ आप लोगों को। और फिर क्या, राज्य में आवासीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों को 15 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन रखने के निर्देश दिया गया। छात्रों को आवासीय विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग में भाग लेने की अनुमति देने का 15 अक्टूबर 2021 के प्रचलित कोविड स्थिति का आकलन करना, ठीक है। ये भी एक गुड न्यूज़ है, जो 2015 तक, जो 15 अक्टूबर आने वाला है, हम लोगों को फिलहाल 2015 तक हम लोगों को ऑनलाइन सेवाएँ देंगे, यानी ऑनलाइन कक्षा करवाएंगे, हम लोगों से क्लास करवाएंगे। बट जो 15 अक्टूबर को जैसे ही आ जाएगा आकलन आ जाएगा कोरोना रिपोर्ट का, मुझे नहीं लगता है जो ज़्यादा कोविड केस बढ़ रहा है हरियाणा में, क्योंकि मैंने वहाँ पे न्यूज़ देखा तो बहुत कम ही मात्रा के थे, यानी 500 के अंदर ही कोविड प्रेजेंट केस थे। तो जैसे ही इसका आकलन आ जाता है तो फिर क्लियर सर्टिफिकेट हो ही जाएगा, लेकिन आज कुछ नोटिस आने वाला है हम लोगों के कॉलेज की तरफ, तो वो चीज़ देख लेंगे, ठीक है। 15 अक्टूबर 2021 के प्रचलित कोविड स्थिति, इसके बीच विश्वविद्यालय प्रशासन सभी छात्र संकाय सदस्य कर्मचारियों और स्वास्थ्य वाले सहित पूरी तरह से टीकाकरण सुनिश्चित कर, हाँ यदि आप टीकाकरण नहीं करवाएं तो जाके अपना डबल डोज करवा लें, और डबल डोज का सर्टिफिकेट जरूर निकलवा के रख लें, क्योंकि वो आपको प्रमुखता है, वहाँ लग भी सकता है, वो चेक भी कर सकता है। क्योंकि देखो सरकार ने निर्देश तो दे दिया है ओपन करने के लिए, लेकिन कुछ रूल और कुछ प्रोटोकॉल के तहत, वो प्रोटोकॉल क्या है, आपको डबल डोज सुई वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य भी है, लेकिन डोज भी करवाया तो चल सकता है, बट डबल डोज फटाफट करवा लो क्योंकि अभी बहुत महंगा मिल रहा है। तो उससे यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना अपने ब्रदर को, अपना ब्रदर अब बहुत जल्दी 1K के पास है, तो आप क्या सोचते हो करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दो शब्द प्यारा चीजिए, गुड मॉर्निंग ही लिख दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही बस काफ़ी है।